जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल लॉस्ट इन स्टडीज में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs एक क्विज की फॉर्म में करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि गाइस ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। और गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबाएं, ताकि आपको मेरी आगे आने वाली और भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स कैन टाइडल एनर्जी बी पुट? एंड द ऑप्शंस आर ए अबायोटिक, बी ह्यूमन मेड, सी रिप्लेनिशेबल एंड डी नॉन रिन्यूएबल। तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं। और गाइस, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 10 सेकंड्स का टाइम मिलेगा, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी रिप्लेनिशेबल। सो गाइस, टाइडल एनर्जी कैन बी पुट अंडर रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। गाइस, रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो दोबारा से रिन्यू हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज ब्लैक सॉइल फाउंड? एंड द ऑप्शंस आर ए गुजरात, बी राजस्थान, सी झारखंड एंड डी जम्मू एंड कश्मीर। तो दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए गुजरात। सो गाइस, द ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन गुजरात। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। इंडियाज टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड अप टू अ डिस्टेंस ऑफ? एंड द ऑप्शंस आर ए 200 किलोमीटर, बी 200 नॉटिकल माइल्स, सी 12 किलोमीटर एंड डी 12 नॉटिकल माइल्स। सो गाइस, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर आता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी 12 नॉटिकल माइल्स। सो गाइस, इंडियाज टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड्स अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 12 नॉटिकल माइल्स। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश इज? एंड द ऑप्शंस आर ए माइनिंग, बी ओवरग्रेजिंग, सी ओवर इरिगेशन एंड डी डिफॉरेस्टेशन। सो गाइज, इफ यू नो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, देन यू कैन टेक्स्ट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी ओवर इरिगेशन। सो गाइज, द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश इज ओवर इरिगेशन। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर? एंड द ऑप्शंस आर ए रिन्यूएबल, बी नॉन रिन्यूएबल, सी बायोटिक एंड डी इनएग्जॉस्टिबल। सो गाइज, इफ यू नो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, देन यू कैन टेक्स्ट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी नॉन रिन्यूएबल। सो गाइस, आयरन ओर इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर।
materials in the environment which have the potential to satisfy human needs but human beings do not have appropriate technology to access them are called, and the options are A. Stock, B. Developed resource, C. Reserves, and D. Potential resource. So guys, अगर आप इस question का सही answer जानते हैं तो आप अपना answer comment करके बताएं, और आपका समय शुरू होता है अब. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए स्टॉक. सो गाइस, मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट व्हिच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस देम आर कॉल्ड स्टॉक. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर. एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज, एंड द ऑप्शंस आर ए फॉरेस्ट कवर, बी नेट सोन एरिया, सी वेस्टलैंड, एंड डी ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया. सो गाइस, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया. सो गाइस, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया. तो चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर. विच इज द मोस्ट कॉमन सॉइल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, एंड द ऑप्शंस आर ए रेड सॉइल, बी एलुवियल सॉइल, सी ब्लैक सॉइल, एंड डी डेजर्ट सॉइल. सो गाइस, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर आता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी एलुवियल सॉइल. सो गाइस, एलुवियल सॉइल इज द मोस्ट कॉमन सॉइल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर. ब्लैक सॉइल इज आल्सो कॉल्ड, एंड द ऑप्शंस आर ए खादर, बी भांगर, सी रेगर, एंड डी ह्यूमस. सो गाइस, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करें, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है. सो गाइस, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी रेगर. सो गाइस, ब्लैक सॉइल इज आल्सो कॉल्ड रेगर सॉइल. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर. विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज अ सेल्फ एरेशन कैपेसिटी, एंड द ऑप्शंस आर ए एलुवियल सॉइल, बी ब्लैक सॉइल, सी रेड सॉइल, एंड डी लेटराइट सॉइल. सो गाइस, इफ यू नो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, देन यू कैन टेक्स्ट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी ब्लैक सॉइल. सो गाइस, ब्लैक सॉइल हैज अ सेल्फ एरेशन कैपेसिटी. तो चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर. द ब्यूरियल ग्राउंड इज एन एग्जांपल ऑफ, एंड द ऑप्शंस आर ए नेशनल रिसोर्स, बी इंडिविजुअल रिसोर्स, सी इंटरनेशनल रिसोर्स, एंड डी कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स. सो गाइस, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर आता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स. सो गाइस, द ब्यूरियल ग्राउंड इज एन एग्जांपल ऑफ कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स. तो चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर. लेटराइट सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग, एंड द ऑप्शंस आर ए टी कॉफी एंड कैश्यू नट, बी
राइस व्हीट एंड मस्टर्ड, सी पल्सेस शुगर केन एंड रेसिंग, एंड डी नन ऑफ दीज। सो गाइज अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, टी कॉफी एंड कैश्यू नट। सो गाइस लेटराइट सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी कॉफी एंड कैश्यू नट। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज टेरेस कल्टिवेशन प्रैक्टिस्ड, एंड द ऑप्शंस आर ए पंजाब, बी हरियाणा, सी उत्तराखंड, एंड डी राजस्थान। सो गाइस अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी उत्तराखंड। सो गाइस अमंग ऑल दीज ऑप्शंस उत्तराखंड इज द स्टेट इन विच टेरेस कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड आर कॉल्ड, एंड द ऑप्शंस आर ए डेवलप्ड रिसोर्सेज, बी पोटेंशियल रिसोर्सेज, सी रिजर्व्स, एंड डी स्टॉक। सो गाइस अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर आता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी पोटेंशियल रिसोर्सेज। सो गाइस रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड आर कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। द रियो कन्वेंशन एंडोर्स्ड द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड अडॉप्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st century, एंड द ऑप्शंस आर ए एजेंडा 21, बी एजेंडा 25, सी एजेंडा 22, एंड डी एजेंडा 23। सो गाइस इफ यू नो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन देन यू कैन टेक्स्ट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए एजेंडा 21। सो गाइस द रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड अडॉप्टेड एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st century। आई होप गाइस आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और गाइस आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और गाइज आगे भी ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।